अनुपा, आज हम बनाएंगे एक चाट। चाट ऐसी चीज है ना जो हर एक चीज से बन सकती है। हम यूज करेंगे शकरकंद, स्वीट पोटैटो, रतालू, मुझे तो इतने ही नाम पता है। मैंने सोचा क्यों ना एक टाइप का चाट बनाया जाए। और इस रेसिपी करते करते ना मैं आपको एक सवाल पूछूंगी जिसका आपको देना है सही जवाब, और आप में से कई सारे लकी विनर्स को मिल सकता है टाटा संपन्न की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सो आई कैन आस्क द क्वेश्चन एनी टाइम, सो यू गो टू वॉच द वीडियो केयरफुली। तो मैंने क्या किया है, एक पैन लिया है, उसके अंदर घी डाला है और इसे बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद ऐसे राउंडल्स में काटा है। आप थोड़ा सा सेक लीजिए इस घी के अंदर। घी जो है ना एकदम गरम गरम होना चाहिए। अब इसे जो है अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक ये दोनों तरफ से ब्राउन ना हो जाए, एंड देन वील मेक द चाट। सो ये देखिए जो शकरकंद है ना, वेरी केयरफुली मैं इसको पलट के दोनों तरफ से इसको ऐसे मुझे गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि हम जब इसे बॉईल करते हैं ना तब ये वैसे ही पक जाता है। अब इसके बाद इसे अगर हमें भूनना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है, तो कई बार वो टूट सकता है, तो थोड़ा केयरफुली करिए। और बस ऐसे ही इसे जो एक गोल्ड क्रस्ट आया है ना, ये हमें चाहिए। ओके, सो एक और चीज़ हमें करनी है, फ्लेम अब जो है वो थोड़ा सा मैं स्लो ही कर रही हूँ। तो ये शकरकंद को हमने पलट दिया है, सब अब अंदर साइड से अच्छी तरह से भून रहे। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर छिड़क देते हैं। ये जो रेड चिली पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बना है गुंटूर चिली से, विच कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट चिली। और इस पर डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड सम सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और इसे एक बार पलट दीजिए। अब ये देखिए, इसे बस अभी हम ऐसे ही टॉस कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से अब भून चुका है, गैस हम स्विच ऑफ कर लेते हैं और अब बनाते हैं इसकी चाट। तो ये जो बने हुए शकरकंद के पीसेस हैं, इसे थोड़ा नीचे डाल दीजिए और शकरकंद के ऊपर डालेंगे अब हम कुछ टॉपिंग्स। तो टॉपिंग में ये है प्याज, थोड़ा सा क्यूकम्बर एंड सम टमेटो। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ चटनियाँ। दिस इज ग्रीन चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, और ये है मेरे पास प्लेन दही, बस थोड़ा सा दही भी इसके ऊपर। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर अब ये जो बचे हुए हैं वो डालेंगे और बस इसे फिर एक बार रिपीट करते हैं। प्याज, टमाटर, क्यूकम्बर, चटनी, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, दही को हमने मीठा नहीं किया है, बस ऐसे ही प्लेन दही। अब ये तो सारा हो गया, अब इसके ऊपर क्या डालेंगे फाइनल में, अनार, सम ब्लैक सॉल्ट। इसलिए मैंने तब कहा था कि जब हम शकरकंद पकाएंगे तब नमक जो है थोड़ा कम ही डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला एंड भुना हुआ जीरा पाउडर। ये पापड़ी जो है इसे बस तोड़ के डाल सकते हैं ऊपर। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अदरक, ये जो जिंजर है ना, जिंजर के पतले पतले स्ट्रिप्स काट के रखे वो इसके ऊपर डालिए। और फाइनली सम फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ा सा। दिखने में बहुत ही सुंदर और खाने में सुपर टेस्टी। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी तक आपको सवाल ही नहीं पूछा है। आपको बताना है कि जो रेड चिली पाउडर मैंने इसमें यूज़ की थी वो कहाँ की सबसे बेस्ट होती है। जल्दी से आपके जवाब लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड गेट रेडी टू विन द गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम टाटा संपन्न। वेल, दिस इज़ माय रेसिपी फॉर टुडे। अगली बार ऐसी ही कोई एक्साइटिंग रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो वो लिख दीजिए एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू मेक इट फॉर यू। सो टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप कुकिंग एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।